नमस्कार दोस्तों, मैं श्री रंजन, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। इट इज अ पार्ट ऑफ वेव एनालाइजर। जो फर्स्ट पार्ट है टाइप्स था वेव एनालाइजर का, वो था आपका रेजोनेंट वेव एनालाइजर। ठीक है, तो रेजोनेंट वेव एनालाइजर जो है उसका कुछ डिमेरिट्स था, उस डिमेरिट्स को एलिमिनेट करने के लिए सेकेंड वेव टाइप ऑफ वेव एनालाइजर डिजाइन किया गया, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। डिमेरिट्स क्या था? फर्स्ट डिमेरिट था कि उसका पुअर सेलेक्टिविटी था। रेजोनेंट वेव एनालाइजर था जिसका सेलेक्टिविटी बहुत पुअर था। पुअर सेलेक्टिविटी है तो आपको पता ही होगा कि वो नियर अबाउट अगर हार्मोनिक्स होंगे काफी नियर, तो उसको सेलेक्ट करना मुश्किल था, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। इसके वजह ये था कि अगर नियर अबाउट आपका कोई भी हार्मोनिक्स है जिसका मान लीजिए कि 100 हर्ट्ज है, 100.2 हर्ट्ज है, तो उसमें डिस्टिंग्विश करना उसके लिए संभव नहीं था। सेकेंड डिमेरिट ये था कि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मेजरमेंट के लिए जा रहे हैं तो उस केस में क्या था, तो उसमें जो रेजोनेंट सर्किट लगा हुआ था, तो जो रेजोनेंट सर्किट का जो वैल्यू आर, जिसमें एल और सी हम यूज करते हैं रेजोनेंट सर्किट में, तो उस एल और सी का जो वैल्यू यानी इंडक्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर का जो वैल्यू रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाता था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस उन दो डिमेरिट्स को, जो दोष को अलग करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो डिजाइन किया गया अनदर टाइप ऑफ वेव एनालाइजर, दैट वेव एनालाइजर इज कॉल्ड एज हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम कि फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर या हाईली फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर को यूज करके उस दोनों डिमेरिट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। हेटेरोडाइन बेसिकली क्या है कि हेटेरोडाइन कर देना मतलब कि आपके पास बहुत सारे हार्मोनिक्स, उस हार्मोनिक्स में से एक हार्मोनिक्स को सेलेक्ट करके अलग कर देना ही हेटेरोडाइन, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें से एक एक चीज को अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोडाइन। तो यहाँ पे हेटेरोडाइन कैसे कर रहे हैं हम वो समझेंगे। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या है, एटेन्यूएटर है आपका, मिक्सर है, फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर है, एम्पलीफायर है और मीटर है, यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जिसको बोलते हैं ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म का मतलब है का सिग्नल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, यानी बोले स्पेक्ट्रम टाइप का। स्पेक्ट्रम क्या, बहुत सारे सिग्नल होते हैं, तो सिग्नल है कॉम्प्लेक्स। एटेन्यूएटर क्या है, सिग्नल का बेसिक काम क्या है, यो फ्रीक्वेंसी वो जो सिग्नल है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बेसिकली एटेन्यूएट करने के लिए यूज करते हैं। अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो हो सकता है हमारे सर्किट को ये हार्म पहुंचा दे, तो उस चीजों को से प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हम एटेन्यूएटर यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी जो आएगा, यहाँ पे अगर आ रहा है सिग्नल, वो भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म ही आएगा आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। यहाँ पे हमने ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया हुआ जो कि ट्यून करके वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। सपोज इसने ट्यून करके फ्रीक्वेंसी जनरेट किया F1, अब ये क्या करेगा, किसी इस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म में किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ फेज को मैच करेगा और डिफरेंस करेगा। अब यहाँ पे सपोज हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आया कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, उसमें से एक F2 फ्रीक्वेंसी है, और मिक्सर इन दोनों को क्या कर रहा है, जैसे ही सेम फेज में हुए तो उसका एडिशन होता है सेम फेज में, आपको पता है, और जैसे ही फेज अलग हो गया उसका सबस्ट्रैक्शन होता है। फिर हो कैसे रहा है कि ये ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड कर लेते हैं सिंगल हार्मोनिक्स को, उसी के साथ फेज मैच और फेज डिफरेंस के केस में मिक्सर क्या करता है, उसका सम और डिफरेंस हमें फाइंड आउट कर देता है। इससे क्या हुआ कि मैक्सिमम जितने थे आपके पास कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, उसमें से क्या किया कि एक हार्मोनिक्स के एक सिग्नल को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उसी का ट्यूनिंग किसके साथ है, जो ट्यून फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी, जो ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो सेलेक्ट हुई हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेम फेज में होता है एडिशन हो गया, डिफरेंट फेज में होगा तो माइनस हो गया, दो फ्रीक्वेंसी यहां से कॉमन मिल गया। मतलब एक फ्रीक्वेंसी ये होगा हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो होगा ये होगा लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम यूज करते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर। जो फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर बेसिकली क्या है, हाईली सेलेक्टिव लो पास फिल्टर है, जो क्या करेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एटेन्यूएट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद आउटपुट ऑफ द जो आया फिक्स फ्रीक्वेंसी फिल्टर का वो है F1 - F2। ये हम किसको देते हैं, एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर क्या करता है, टू एम्पलीफाई द सिग्नल, यानी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एंड गिवन टू द मीटर। मीटर बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो मीटर आपका VT VM हो सकता है,
या टीवीएम हो सकता है। अब देखिए क्या है, वीटीवीएम है वैक्यूम ट्यूब टाइप वोल्टमीटर और टीवीएम है ट्रांजिस्टराइज वोल्टमीटर। तो बेसिकली हम इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के बात करें इस टाइम पे तो हम यहाँ पे यूज करें ट्रांजिस्टराइज वोल्टमीटर, तो आउटडेटेड हो चुका है। वैक्यूम ट्यूब का डिवाइसेस आजकल कहीं मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ट्रांजिस्टराइज वोल्टमीटर यूज करके ये क्या कर देगा, उस सिग्नल के आरएमएस वैल्यू को मेजर करके बता देगा आपको कि ये है उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज। ऐसे ही क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों होगा, फिर यही सारे फंक्शन होंगे F1+F2 या F1-F2, एनी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा, अगेन एक सिग्नल फिल्टर उस सिग्नल को पास करेगा एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके। तो ये वन बाय वन करके आपको हर एक हार्मोनिक्स को मेजर करके बता देगा। तो ये आपका है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हेटरोडाइन वेव एनालाइजर। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऐसे कि क्या होता है कि कोई वेव फॉर्म है आपका, ठीक है, ये वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव पीक है, निगेटिव पीक है, ठीक है। अब ये दोनों का ड्रॉ करने में हो सकता है अलग दिखे, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ओरिजिन से, ये भी वी पीक होगा, ये भी वी पीक होगा, सेम होता है, ठीक है। ये निगेटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बस इसे हम साइन का चेंज होगा, निगेटिव वोल्टेज है ये आपका, पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें दोनों का कंप्लीट मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे हम जो मेजर करते हैं वोल्टेज कंप्लीट पॉजिटिव और निगेटिव पीक, उसको बोलते हैं वी पीक टू पीक, और वी पीक को हम बोलते हैं वी मैक्स। तो जो आपका वी आर एम एस होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये होता है वी मैक्स डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है, यह हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई रूट टू, वी पीक डिवाइडेड बाई टू, या वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई टू रूट टू, ठीक है। क्यों होगा, ये जो आपका वी पीक टू पीक होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ वी पीक, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हेटरोडाइन वेव एनालाइजर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 10-15-20 जितने हो सके जितने स्टूडेंट है आपके साथ के उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिले, और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।